Hello everyone, welcome to the solutions of practice sheet 1 of probability class 12th चल रही है हमारी. पहले 10 questions की बात करेंगे और first 10 questions में हमारे पास जो पहला question है वो ये है कि compute probability of A in condition to B. इसका मतलब होता है कि A, B has already happened if probability of A intersection B is equal to 0.32 and probability of B is equal to 0.5. चलिए अब चलते हैं, let's get going और देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या आएगा. सबसे पहले हम conditional probability का formula सीख लेते हैं. probability of A slash B is equal to probability of A intersection B upon probability of B. ठीक है, ये फॉर्मूला तब है, यहाँ तो दो इवेंट्स हैं ए और बी. ठीक है, अगर एक्स एंड वाई दो इवेंट्स हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बन सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इन कंडीशन टू वाई हैज़ ऑलरेडी हैपन, तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई. ठीक है, और दूसरा फार्मूला हमारे पास बन सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इन कंडीशन टू एक्स विच हैज ऑलरेडी हैपन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, या फिर आप वाई इंटरसेक्शन एक्स लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम मीनिंग कन्वे करते हैं, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स. तो ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है. चलिए इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0.32 अपॉन 0.5, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 50. ठीक है, मैं आपको थोड़े बहुत शॉर्टकट बताऊंगा ताकि आपको हेल्प रहे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में बच्चे नॉर्मली फ्रैक्शंस में छोड़ देते हैं, और फ्रैक्शन में छोड़ भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन होनी चाहिए. जैसे 64 अपॉन 100 आ गया तो 0.64 आ जाएगा, एंड दैट इज द आंसर वी आर लुकिंग फॉर. आई होप आपको समझ आया होगा. चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेट्स गो. चलिए अब आ गए हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे. ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है. फिर क्वेश्चन ये है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन कंडीशन टू ए हैज ऑलरेडी हैपेंड इफ. अब देखिए दो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ हमारे पास सेट्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ 11th दोनों की नॉलेज होनी चाहिए. फिर भी हम सीखते हैं थोड़ा सा. जैसा कि यहाँ पे लिखा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, फर्स्ट क्वेश्चन कंसिडर कर रहा हूँ मैं, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी. इट इज गिवन दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये दोनों चीज़ें हमारे पास गिवन हैं. तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से फिर हम क्या क्या इंफॉर्मेशन इम्प्लाई कर सकते हैं वो देखते हैं. एक तो हम ये बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू ए, ये बहुत ज़रूरी है आपको पता होना कि अगर ए सबसेट है बी का, इसका मतलब ए छोटा सेट है बी से, तो दोनों का इंटरसेक्शन में ए कॉमन आना ही चाहिए. मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी इसकी बता देता हूँ. लेट अस सी, अगर हमारे पास ये कोई सर्कल है जिसे हम सेट ए बोल देते हैं, इसके अंदर इसे सेट बी बोल देते हैं, इसके अंदर हम सेट ए लगा देते हैं, ये सेट ए है. तो देखिए ए बिकम्स द सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या है कि दोनों में जो कॉमन है वो तो ए ही कॉमन है ना, तो हमने ये लिख दिया. ये नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए. अब हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन कंडीशन टू ए, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन कंडीशन टू ए विल बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
इंटरसेक्शन ए, मैंने पहले ही बताया था, आप ए इंटरसेक्शन बी लिखिए या बी इंटरसेक्शन ए लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हम अभी करके आए हैं कि ये ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन। तो ये एक कॉम्पिटिशन्स के लिए भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट हमारे पास तैयार हो गया है कि अगर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए छोटा सेट है बी से और छोटा सेट हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उनकी वन हो जाएगी। अगर आपको नहीं भी समझ आया तो आगे ज़रूर आएगा, हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइ, ये गिवन है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन कंडीशन टू ए विच हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, ध्यान से हम देखेंगे। इट इज गिवन दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइ, विच इम्प्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये बात आपको ध्यान से देखनी है कि अगर दोनों में कोई भी एलिमेंट नहीं है ए इंटरसेक्शन बी में, तो क्या मतलब है कि उनकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है। आगे चलते हैं, देयरफोर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन कंडीशन टू ए हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ए की हमें नहीं पता है लेकिन ए ऑलरेडी हो चुका है, इज इक्वल टू ज़ीरो अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू ज़ीरो। आई होप दिस क्वेश्चन मस्ट बी क्लियर टू यू। चलिए अब आ गए हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे, स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5 एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेयर एज ए हैज़ ऑलरेडी हैपन इज इक्वल टू 0.4। देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो जैसा कि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है, फर्स्ट पार्ट को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन कंडीशन टू ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू जो गिवन इंफॉर्मेशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन कंडीशन टू ए क्या है 0.4, और उसके बाद इंटरसेक्शन में हमें नहीं पता है लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 0.8। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूंगा, इधर ले जाऊंगा, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.32। आई होप इट इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी निकालना है, यानी ए इन कंडीशन टू बी, तो देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन कंडीशन टू बी हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, क्या आएगा ये हमारे पास, ये आ जाएगा, हम ऊपर से ये इंफॉर्मेशन उठा लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी है हमें 0.5, यानी 32/50, यानी 64/100, 0.64। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालने को बोला है, तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए। वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिर्फ वैल्यूज फिल करनी है हमें, 0.8 प्लस 0.5 माइनस 0.32,
हम इसे कैलकुलेट करेंगे, 1.3 माइनस 0.32 इज इक्वल टू 0.98, दैट विल बी दी आंसर। सी हाउ इट इजी इट इज। अब हम करेंगे अपना फोर्थ क्वेश्चन, लेट्स गो। ओके, द फोर्थ क्वेश्चन गोज लाइक दिस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/11 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 7/11। तीन चीज़ें हमें फाइंड करने के लिए बोली गई हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन कंडीशन टू बी हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन कंडीशन टू ए हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड। तो हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं। यहाँ पे आएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज फिल करते हैं, 6/11 प्लस 5/11, तो यहाँ आएगा 7/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इधर चला जाएगा और 7/11 इधर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 11/11 माइनस 7/11, इन दोनों को प्लस किया ये 1 आ गया, तो 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4/11 एंड दैट इज़ दी आंसर ऑफ दी फर्स्ट पार्ट। होप इट इज़ क्लियर टू यू। चलिए चलते हैं अब अपने सेकेंड पार्ट पे और देखते हैं कि उसकी क्या डिमांड है। उसकी डिमांड है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन कंडीशन टू बी निकाल दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन कंडीशन टू बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैल्यूज फिल करते हैं, क्या आएंगी वैल्यूज हमारे पास। इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई 4/11 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/11। अब 11 और 11 तो कट गए, तो हमारे पास लास्ट में आंसर क्या है, 4/5। अगर मैं इसे डेसिमल में करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं फ्रैक्शन में भी छोड़ सकता हूँ, सो डजंट मैटर। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर है। अब थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन कंडीशन टू ए हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सिंपल दोबारा से 4/11 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ से हम ले लेंगे 6/11। अब देखिए 11 और 11 तो कट गए, यहाँ से ये 2 और ये 3 आ गया, तो फाइनली व्हाट इज़ द आंसर डू वी हैव, इट्स 2/3। That is the answer. It was an easy one. चलिए अब हम चलते हैं अपने fifth question की तरफ। चलिए जी next करते हैं और बड़ा ही interesting question है हमारे पास। Question ये है कि evaluate करना है हमें A union B, formula आता है लेकिन information जो दी गई है हमें वो कुछ टेढ़ी मेढ़ी दी गई है, तो देखते हैं उस टेढ़ी मेढ़ी information से क्या हम लेके आ सकते हैं। Solution लिखते हैं, twice of probability of A is equal to probability of B is equal to 5/13। यहाँ से informations क्या क्या निकलती हैं, twice of probability of A is equal to 5/13 which implies that probability of A is equal to 5/26। and अब ये देखिए interesting है कि probability of B क्या है, ऑफ कोर्स 5/13। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ये भी गिवन है मुझे, तो इससे मुझे क्या पता चलेगा, इससे मुझे ये पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A विल बिकम 1/2 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ B। और अगर मैं ये 1 है और ये 2 है,
फ्रॉम वन एंड टू। वन एंड टू से क्या होएगा, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेंगे, वन बाय टू इंटू फाइव बाय थर्टीन। तो ये लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वन बाय टू इंटू फाइव बाय थर्टीन इज इक्वल टू फाइव बाय ट्वेंटी सिक्स। आई होप इट इज़ क्लियर। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी, ये चीज़ हमें निकालनी है, ए यूनियन बी। तो उसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ए इन कंडीशन टू बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी क्या दी गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी हमारे पास है फाइव अपॉन आई थिंक टू अपॉन फाइव है, चेक कर लेते हैं, यस टू अपॉन फाइव है। नाउ इसका फार्मूला लिख लेते हैं, इसका फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आएगा, टू अपॉन फाइव, यही आएगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी लिखा जा सकता है ना ऐसे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। तो देखिएगा ध्यान से, अभी 2 अपॉन 5 की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है, अभी सिर्फ इसी की बात करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया। तो बी क्या है जी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो हमने निकाली थी या हमें गिवन थी, दैट वाज 5 अपॉन 13। ए स्लैश बी दी है 2 अपॉन 5, तो ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, जो कि मेरे पास आ जाएगा 5 से 5 कट जाएगा और 2 अपॉन 13 आ जाएगा। ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए कितना आसान हो गया, ए यूनियन बी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी है, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ गया है, तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं ईजीली, कोई इशू नहीं है अब हमें। चलिए चलते हैं जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर आप देखेंगे तो हमने निकाली थी 5 अपॉन 26 प्लस 5 अपॉन 13, ये तो गिवन ही थी, ये अभी हम निकाल के आए हैं 2 अपॉन 13। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 26, तो यहाँ आ जाएगा 5 प्लस 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 11 अपॉन 26 एंड दैट बिकम्स आर आंसर। इट वॉज ईजी बट नाइस वन एंड एन इम्पॉर्टेंट वन। ये आ गए हैं अब अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पे, अच्छा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कुछ चीज़ों की। ये देखिए, इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद सम रैंडम एक्सपेरिमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन कंडीशन टू ए 0.6। अब हमें ये चीज़ें निकालनी है, क्या इंटरसेक्शन है हमारे पास, नहीं है, तो इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। अब इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा वो हम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी है और ए और बी दोनों की दी है, तो हमारे पास इंटरसेक्शन आ सकता है, ठीक है। देखते हैं कि कैसे आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि ए नीचे है इसका मतलब ए इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ से हम क्या लेके आएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन कंडीशन टू ए। वैल्यूज फिल करते हैं, ये आ जाएगी हमारे पास 0.4 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 0.24, ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी. नाउ फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.24. ये हम लेके आए हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो हमारे पास गिवन है वो है 0.8. तो ये कट जाएगा, तो 8 3 24, तो 0.3 आंसर हमारा आ जाएगा. अब सेकेंड पार्ट में हम देख लेते हैं क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. इसका हमें फॉर्मूला आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, तो जस्ट फिल करनी है, 0.4 प्लस 0.8 माइनस 0.24 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 1.2 माइनस 0.24 इज इक्वल टू 0.96. अच्छा, इसका जो थर्ड पार्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन या स्लैश प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और दोनों का कॉम्प्लीमेंट है. तो देखते हैं जी कैसे निकालना है, प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा. थर्ड पार्ट है, अच्छा लग रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट ए, ये क्या आएगा हमारे पास, इसका पहले तो फॉर्मूला ही देख लेते हैं कि क्या बनेगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट. अब निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो एक एक करके सारी चीज़ें निकाल के लेके आते हैं हम, कि अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम लेके आए थे, याद है, 0.4 इज इक्वल टू 0.6 आ गया. ये तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकाल ली. मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि जो भी फॉर्मूले में लिखा होता है हमें वो निकाल लेना चाहिए. अब देखिए, जैसे कि फॉर्मूले में है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दोनों का कॉम्प्लीमेंट, ये मैं यहाँ ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू. अगर आपको 11th की प्रोबेबिलिटी आती है तो आपको ये चीज़ें ज़रूर आती होंगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.96 इज इक्वल टू 0.04. यहीं पे ही स्टूडेंट्स ज़्यादातर अटकते हैं. सारी इंफॉर्मेशंस हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट आ गया. नाउ अब हमारा काम भी पूरा हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन, यहाँ पे हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए इन कंडीशन टू बी इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला था तो 0.04 अपॉन 0.6, तो ये आ जाएगा 4/100 इंटू 10/6. ये और ये कट गया, यहाँ 2 यहाँ 3, तो 2/30 यानी 1/15 आ गया है. दैट इज़ दी आंसर वी आर लुकिंग फॉर. आई होप यू मस्ट हैव इंजॉयड द क्वेश्चन. अब चलते हैं हम अपने 7th क्वेश्चन की तरफ, लेट्स गो. दोबारा से क्वेश्चन नंबर 7, जो कि सिमिलर सा लग रहा है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, CBSE में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा आप इसका. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/5, और ए कॉम्प्लीमेंट
बी कॉम्प्लीमेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब आप ये देखिए कि हमें चाहिए क्या क्या, वी नो दैट, ध्यान से, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या। ए कॉम्प्लीमेंट इन कंडीशन टू बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ये चाहिए। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट तो आसानी से निकल जाएगा। मैं इसी फॉर्मूले को अब ध्यान से देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ, वर्किंग चेंज करने का तरीका है। तो मुझे पता है कि जो मैं ऊपर भी करके आया था, मुझे पता है ये सारी चीज़ें कैसे करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट अपॉन वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हमारे पास क्या क्या आएगा वो देखते हैं। वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान से देखिए बहुत अच्छा तरीका है क्वेश्चंस को अप्रोच करने का, माइनस वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अब देखिए कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो निकाल लेते हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज़ फिल कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ी आसानी रहे। वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी, वन अपॉन थ्री, टू अपॉन फाइव, माइनस वन अपॉन फाइव। तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 15, ठीक है, 8/15 आ जाएगा ये। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। अब देखिए कि हमें क्या क्या वैल्यूज़ चाहिए, हमें निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इसे मैं 1 दे देता हूँ और इसे मैं 2 दे देता हूँ, तो 1 माइनस 8/15 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कितनी है हमारे पास 1/3, ये देखिए ये लिखी हुई है, इज इक्वल टू 15 - 8/15 डिवाइडेड बाय 3 - 1/3 इज इक्वल टू 7/15 इंटू 3/2, तो ये आ जाएगा 5 और यहाँ आएगा 7/10, दैट इज़ दी आंसर वी आर लुकिंग फॉर। अब आ गए हैं हम अपने 8th क्वेश्चन पे। चार पार्ट्स हैं इसके, चारों के चारों आसान हैं अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चंस को ध्यान से समझ के आए हैं। तो देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट पार्ट हमें करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन कंडीशन टू बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंफॉर्मेशंस क्या हैं मेरे पास, सारी की सारी हैं, 1/4 डिवाइडेड बाय 1/3 इज इक्वल टू 3/4, ईजी है। अब निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन कंडीशन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो दोबारा से 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2 इज इक्वल टू 2/4, जो कि आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, लिख लेते हैं। फिर हम चलेंगे थर्ड पार्ट की तरफ। अब हम करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट स्लैश बी। सबसे पहले तो हमें इसका फॉर्मूला आना चाहिए। वैसे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी की, बट अभी के लिए हम देख लेते हैं कि ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी। 1 माइनस ए स्लैश बी क्या है, 3/4, ये देखिए हमने सॉल्व किया था, तो 3/4 आ जाएगा। अब ये क्या आएगा, 4 - 3, 1/4 आ जाएगा। सो दैट वॉज एन ईजी वन। अब फोर्थ करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट स्लैश बी कॉम्प्लीमेंट।
तो नॉलेज थोड़ी हमें होनी चाहिए फॉर्मूला वगैरह की, तभी हम कर पाएंगे। फोर्थ पार्ट हम करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट स्लैश बी कॉम्प्लीमेंट। बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जैसा कि मैं शुरू में ही कह दिया था और बार बार कहता आया हूँ कि एक बार फॉर्मूला लिख लिया कीजिए। फॉर्मूला लिखने से फ़ायदा ये है कि हमें पता चल जाता है कि हमें सॉल्व क्या क्या करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, बी कॉम्प्लीमेंट तो आ जाएगा वन माइनस करके, जो कि इसकी 1/3 दी भी थी, तो 2/3 आ जाएगा। इसको निकालने के लिए हमें थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो देखते हैं जी, ये चीज़ जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको निकालने के लिए वी शुड बी गुड विद सेट्स। तो देखते हैं कि हमें चाहिए क्या क्या। ध्यान से देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट ये होता है, ठीक है, इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब क्या है, अब मुझे ए यूनियन बी चाहिए, तो चलिए ए यूनियन बी भी निकाल लेते हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, आई थिंक 1/2 है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 1/3 है, और इंटरसेक्शन भी हमारे पास है। तो मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ, 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। एलसीएम देख लेते हैं, 12 एलसीएम है, तो आप इसको अगर ओरल कैलकुलेशन में लेके जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप कर लीजिएगा। 7/12 आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए। फ्रॉम 1 एंड 2 अगर मैं करूं, फ्रॉम 1 एंड 2 वैल्यूज फिल करेंगे और उसकी हेल्प से मेरे पास आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 7/12 इज इक्वल टू 12 माइनस 7 5 5/12 ये आ गया। एंड जैसा मैंने आपको बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। अब हम कर लेंगे फाइनली ए कॉम्प्लीमेंट स्लैश बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमें पता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो शुरू में हमने लिखा भी था, कॉम्प्लीमेंट लगेगा इसका भी, ये क्या है 5/12 अपॉन 2/3, तो ये आ जाएगा 5/12 इंटू 3/2 आ जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ये आ जाएगा कितना 5/8 एंड दैट इज़ द आंसर वी आर लुकिंग फॉर। इसके बाद अब हम करेंगे अपना 8th क्वेश्चन, लेट्स सी। मैंने 8th क्वेश्चन बोल दिया था गलती से, ये 9th क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लेट्स सी सॉल्यूशन देखते हैं इसके। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद सम रैंडम एक्सपेरिमेंट सच एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जो हमारे पास है वो 3/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो हमारे पास है वो 1/4 है, अब देखिए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट जो है हमारे पास वो क्या है 2/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, इसे 1 में से माइनस कर लेंगे, सो वी नो दैट हाउ टू डू दैट। अब आप ये देखिए कि पहला पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो मुझे सॉल्व कर दी है, कर लेते हैं जी। तो देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे आएगी, फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा, यहाँ देखिए, देयरफोर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3 बिकॉज
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, पता ही होगा आपको। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2 यानी 1 अपॉन 3 आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास। अब हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने की शुरुआत। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने के लिए देखिए, यूनियन है हमारे पास और इंटरसेक्शन है हमारे पास, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है। तो देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी, वी नो दैट, ये लिखना ज़रूरी है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। ये है 3/4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो मुझे नहीं पता है और मुझे ढूंढनी है, और ए इंटरसेक्शन बी क्या है 1/4। इसे जस्ट अब मुझे सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 3/4 प्लस 1/4 माइनस 1/3। आप देखिए 12 एलसीएम आ गया, 9 प्लस 3 माइनस 4 यही आना चाहिए। ये आ गया जी हमारे पास 8/12, 4 के टेबल से काट देंगे, 2 और 3 आ जाएगा, सो 2/3। दैट्स द आंसर वी आर लुकिंग फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन जॉब इज हाफ डन, क्यों भला? क्योंकि हमारे पास और भी बहुत कुछ पूछा गया है। तो देखिए क्या पूछा गया है, एक तो ए स्लैश बी, उसमें ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए, तो ये भी हो जाएगा। सो अब देखिए टू फाइंड, इसको थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन कंडीशन टू बी फॉर इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही सारा कुछ है। अब इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या क्या आएगा, ये देखिए, ये गिवन है 1/4 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 2/3, ये हम लेके आए थे। तो ये क्या आएगा 1/4 2/3 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 3/8 आ गया। दैट्स द आंसर वी आर लुकिंग फॉर। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है उसे करने में मजा आएगा, क्योंकि उसे हम वेन डायग्राम की हेल्प से करेंगे। उन्होंने बोला है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो यहाँ पे लगेंगी थोड़ी सी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ध्यान दीजिएगा कि हमें क्या क्या करना होता है, बहुत ध्यान से देखेंगे। फॉर दिस वी हैव टू रियली गो फॉर सेट्स। चलिए जी वेन डायग्राम्स की हेल्प लेते हैं, एक सर्कल बनाते हैं और एक और सर्कल बनाते हैं ताकि हमारी हेल्प हो जाए। देखिए अब दो अलग अलग हमारे पास सेट्स हैं। मान लीजिए एक सेट ए है और एक सेट बी है। अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा कर देता हूँ, ध्यान से देखेंगे, ये मैंने इकट्ठा कर दिया, ये ए आ गया और ये बी आ गया। ये जो पार्ट है आप समझ रहे होंगे, ये पार्ट जो है ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट इज बी माइनस ए। ये बात आपको समझनी बड़ी ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी माइनस ए। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ माइनस की जगह यूनियन लगाना चाहिए हमें। यहाँ पे ये थोड़ी सी परेशानी थी, फॉर्मूला हमने कर लिया है क्लियर। अब आप ये देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर मुझे लेके आना है तो फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस
ए, ये हो गया। और इसे एक इंटरेस्टिंग तरीके से भी लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए, इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ओके, सो बी केयरफुल विद दैट। अब देखिए, अगर मुझे इसको आगे लेके जाना है तो मैं क्या करूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, ये सारे के सारे क्या हैं, फॉर्मूले हैं हमारे पास। ये जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है, इससे हम कर क्या क्या सकते हैं, लेट्स सी। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, ये आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन है 1/4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए आ जाएगा, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू 2/3 माइनस 1/4 माइनस 2/3, 12 आ गया। तो यहाँ पे 4 ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 5/12। ओके, सो ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमें करना क्या है, बड़े ध्यान से देखिए कि मेरे को लेके क्या आना है। मुझे लेके आना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज होती है बी माइनस ए, यही क्या होती है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये चीज तो हमने निकाल ली, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमने अपना रिक्वायर्ड आंसर भी निकाल लिया है, विच इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5/12। दैट्स दी आंसर वी आर लुकिंग फॉर। चलिए चलते हैं अब अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। वी हैव रीच टू क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपने ऊपर वाले क्वेश्चन ध्यान से समझे हैं तो इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सी स्लैश बी, तो फटाफट से कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कंडीशन टू बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। गिवन है हमारे पास जो इंफॉर्मेशंस, उनका यूज करते हैं हम। 1/4 डिवाइडेड बाय 1/3, तो ये आ जाएगा 3/4। क्यों भला, 1/4 इंटू 3/1 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट हम करते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसा क्वेश्चन हम करके भी आए हैं, तो अब मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको नॉलेज होगी। थोड़ी वर्किंग करते हैं। वर्किंग क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी चाहिए मुझे, तो वो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दिया गया है, तो यूनियन आ जाएगा। अगर आपको ख्याल होगा कि हमें यहाँ के लिए यूनियन चाहिए, इसके लिए 2/5 प्लस 1/2 माइनस 1/5, तो कुछ जानी पहचानी सी कैलकुलेशन लग रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/5 प्लस 1/2, तो एलसीएम आ गया 10, और यहाँ आ जाएगा 2+5 7, 7/10 आ जाएगा। ये एक बात हो गई। अब देखिए कि हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इसके लिए हम क्या क्या लिखेंगे, ये देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट कर लूँगा मैं, ये कैसे आएगा, ये आएगा प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी, जो मैं लेके आया हूँ।
मैं क्या लेके आया हूँ, 1 माइनस 7 अपॉन 10 इज इक्वल टू 3 अपॉन 10, तो यही तो हमें निकालना था। देखिए आसान हो गया ना। अब हमारे पास जो थर्ड है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इन कंडीशन टू सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अगर आपने फॉर्मूला ध्यान में रखा होगा थर्ड पार्ट के लिए, तो क्या आएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1/2 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट स्लैश सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट। ये हम लेके आए हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट 3/10 है, यहाँ 1 लिख देते हैं हम, सो 3/10 अपॉन 1/2 ये लिख लेंगे हम, विच इज फ्रॉम 1/2 ये आ गया। काट देंगे जी, जब काट दिया तो 3/5 आ गया, एंड दैट इज द आंसर वी आर लुकिंग फॉर। दिस कंप्लीट्स आर वर्कशीट जिसमें 10 क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे रूल्स यूज हुए हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आएगी हमारी नेक्स्ट वर्कशीट के आंसर्स। टिल देन पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और मैथ्स को इंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय बाय।